मेरा मानना यह है कि ये धारणा भी बीजेपी द्वारा बनाई गई है अपने गलत काम को जस्टिफाई करने के लिए। वो दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। आजकल बड़े मजा की बात यह है कि मैंने कई चैनल्स में देखा है बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो दूसरी पार्टीज को बोलते हैं ये कम्युनल है। मतलब इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है। एसपी बताएंगे कि बीजेपी कहे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो हालत है। तो ये जो इनका कहना है ये बीजेपी ने फैलाया हुआ है कि अखिलेश यादव को भी कह दिया कि साहब ये धर्म की राज। अखिलेश यादव ये तो नहीं कहते हैं ना जाकर के कि हिंदुओं को गोली मार दो, ये क्रिकेट मैच में हरवाते हैं ये तो नहीं कह रहे हैं ना, और कि पाकिस्तान के लिए ताली बजा रहे हैं ये तो बकवास यही सब लोग करते हैं ना बीजेपी वाले। तो आप फर्क देखिए, पॉलिटिक्स में आदमी पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो क्या भजन कीर्तन करेगा भाई। जब जिस देश में राजनीति इतनी ज्यादा जातिगत रही है हमेशा से, तो आदमी इस तरीके की चीजें करता है जिससे कि भाई एक पर्टिकुलर सेक्शन जो नेचुरली बहुत बड़ा वो चंक बन के जातियों से बढ़ बढ़ के वर्ग में बन करके बड़ा वोट बैंक बन जाता है, तो नेचुरली उसको लुभाने के लिए। अब ये क्या कर रहे हैं, ये लुभाने के लिए नहीं कर रहे हैं तो और काहे के लिए कर रहे हैं। लेकिन दूसरी कोई भी पार्टी जो है इंक्लूडिंग अखिलेश की समाजवादी पार्टी, वो ये काम नहीं करते हैं कि लोगों को विभाजित करें, लोगों को लड़वाएं और उस लड़ाई के जरिए से अपनी रोटियां सेकें, वोट की रोटी सेकें। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बात सिर्फ इनकी फैलाई हुई है और आजकल बहुत जोरों पे है। ये आजकल ये बात इतनी जोरों पे फैला रखी है कि साहब विपक्ष की पार्टियां बहुत कम्युनल हैं, अखिलेश यादव कम्युनल है, कांग्रेस भी कम्युनल है, क्योंकि ये लोग जो हैं धर्म देख करके वोट बधाई है ये कह ये कहने का इनका वही स्टाइल। देखिए आरएसएस का जो एक आइडिया और उनकी फिलॉसफी है वो यही है कि अपनी बात को, अपने झूठ को सच बताने के लिए आप झूठ का बम्बार्डमेंट कर दो, बोलते जाओ एक झूठ को बार 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 जोर। और इनके पास इस वक्त, क्योंकि इनके पास पूरा होल्ड है, लार्ज लार्ज स्केल पे मीडिया पे होल्ड है, और उसके लिए तमाम पैसा भी खर्च करते हैं, डराते धमकाते भी हैं, दोनों काम करते हैं, और वो जो है उसकी वजह से बड़ी इजीली अपने झूठ को ये एस्टैब्लिश करा लेते हैं एज सच। लोग मानने मजबूर मानने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आप सारे टाइम वही देख रहे हैं, आपके पास और कोई जरिया ही नहीं है। तो ये चीज जो है इस तरीके के, लेकिन ये झूठ जो है ना बहुत दिन लास्ट नहीं करता। जो अभी इन्होंने एसपी सिंह ने कहा वो बड़ी पते की बात है कि जो मैं थोड़े से लास्ट में सुन पाया हूं कि जब आदमी को ये जब अपने कुकर्म इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं तो अगला आदमी वोट इसलिए नहीं करता कि हमें इसको वोट फला को वोट करना है, बोलता है इसको नहीं करना है, ये बहुत झूठ बोलता है, ये नाजायज गलत काम करता है, ये बोलता तो है कि विकास की बात करेंगे लेकिन फैलाता कुछ और है, समाज को विभाजित करता है, हमें पीछे ले। जब ये फीलिंग हो जाती है तो ये जो नेगेटिव वोटिंग होती है आदमी गुस्से से, वो स्थिति मुझे लगता है बनती जा रही है, उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है। बहुत दिनों तक खूब वोट कर लिया लोगों ने, लोग अंध भक्त भी हो गए, अंधविश्वास करने लगे, लेकिन अब उनमें से भी मैं देख रहा हूं उनमें भी लोगों को अब ये लगने लगा है, स्पेशली इस तरीके के इंसिडेंट्स जैसे हुए हैं, जैसे गोरखपुर में मार डाला एक आदमी को पुलिस वाले ने, उस पुलिस वाले को प्रोटेक्ट करते रहे, लखीमपुर में सबने देखा है कि पार्टी का एमपी का बेटा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो जाकर के उनकी गाड़ी से रौंद दिए जाते हैं किसान लोग। तो ये धीमे धीमे अपने आप अपने कर्मों से लोगों को एलिनिएट कर रहे हैं, लोग इनसे किनारे होते जा रहे हैं, और लोगों को लगने लगा कि हाँ भाई ये तो अति हो गई, अब हर बात में आप जो है घुमा फिरा के किसी तरह से उसको चाहे कुछ करना पड़े हिंदू मुसलमान बना देंगे, पाकिस्तान को ड्रैग करके करते हैं कि हिंदू मुसलमान बन जाए। अरे भैया आप जो है ये कब तक एक ही कार्ड खेलते रहोगे, कभी सच में डेवलपमेंट भी करके देखो, शायद उसका कुछ भला मिल जाए। अब हर बात पे झूठ बोलना, आपने कभी सुना है आजाद भारत में या ब्रिटिश इंडिया में कि वैक्सीन बेची गई? कभी नहीं बेची गई, मुझे नहीं मालूम है, हिस्ट्री में मैंने नहीं पढ़ा कि कभी भी इतने बड़े बड़े बीमारियों के प्रकोप आए,
ट्वेंटीज में इन्फ्लुएंजा आया, वैक्सीन सरकार ने मुफ्त में ही दी, लेकिन आज की डेट में होर्डिंग लगी होती है, मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद मुफ्त वैक्सीन देने के लिए। ये जो वो डालते ना एहसान कि हमने बचा लिया आपको, हम ना होते तो आप कोरोना में मर गए होते, हम ना होते तो ये हो गया होता, ये जो एहसान है ये बड़ा टिपिकल मुझे लगता है। ये पता नहीं क्यों इस तरीके की भाई बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं मोदी जी भी, लेकिन ये चीज कहां से आ रही है, क्योंकि ये तो फासिज्म का एक वो है हथियार कि आप लोगों को अपने एहसान में इतना दबा दो कि लोग ये समझें कि आपकी वजह से वो सांस ले रहे हैं। ये रवैया चल रहा है और ये बड़ी जिस तरीके से चल रहा है ये खाली हमको पीछे नहीं ले जाएगा, हमको पता नहीं कहां ले जाएगा। सर अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक इंटरव्यू दिया है दूरदर्शन को और उसमें कहा है कि पिछली सरकारों ने अगर सदुपयोग किया होता संसाधनों का और अच्छा काम किया होता तो आज उत्तर प्रदेश छठवी नहीं बल्कि नंबर वन होता अर्थव्यवस्था में, छठवें नंबर पे नहीं होता। तो उसमें वो अच्छा बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, क्योंकि वो भूल गए कि उसमें 3 बार सरकारें उन्हीं की पार्टी की बनी है, 4 बार तो बड़े बढ़िया ठीक है भाई, वो बेचारे कुछ नहीं कर पाए, ये तो दोष दे रहे हैं राजनाथ सिंह को, कल्याण सिंह की 2 सरकारों को, रामनाथ गुप्त राम राम प्रकाश गुप्ता को, ये तो उनको भी गाली दे रहे हैं। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये असल में नशे में आदमी सब कुछ भूल जाता है, पावर के सत्ता का जो नशा होता है बड़ा खराब है, उसमें आदमी ये भूल जाता है कि बोलते में कि भैया हम क्या बोल रहे हैं। तो ठीक है भाई, ये तो बीजेपी वालों को तय करना चाहिए कि उनकी सरकारें भी कितनी जिम्मेदार हैं इस प्रदेश को पीछे ले जाने में। और दूसरा, खाली कह देने से नंबर वन नहीं हो जाता, खाली कह देने से डेवलपमेंट नहीं हो जाता, खाली बोल देने से, इनको लगता है कि जो मैंने बोल दिया ये तो मेरी भगवान की वाणी है, जो हमने कह दिया वो हो गया डन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।